समंदर की गहराइयों में दबी हुई ऐसी कई अनसुनी मानव इतिहास है जिनके बारे में हम नहीं जानते। ये देखिए, क्या ये एक किसी अनजाने सभ्यता की बनाई हुई पानी की गहराइयों में मौजूद एक मंदिर है? और समंदर के नीचे मौजूद ये गोलाकार शेप वाले पत्थर कैसा? क्या ये किसी प्राचीन शहर का अवशेष है या सिर्फ समंदर की सत्ता ने? एक खोई हुई सभ्यता और रहस्यमय शहर अटलांटिस, जो कभी विशाल समुद्री लहरों के बीच गुम हो गया था। वैसे अटलांटिस एक पुराने द्वीप की कहानी है जिसके बारे में प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने दो किताब तीमेयस और क्रिटेयस में लिखा था। दरअसल ये शहर प्लेटो के समय के लगभग 9000 साल पहले मौजूद थी। प्लेटो ने इसे एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता के रूप में बताया था, अपने समय का एक समृद्ध संपन्न देश जो अटलांटिक ओशन की एक टापू पर बसा हुआ था। आलीशान महल और मंदिरों से भरपूर यह शहर, जहाँ की हर मंदिरों की दीवारें और यहाँ की आधार स्तंभ कीमती धातुओं से सजे थे। भगवान की एक मूर्ति जो सोने से बनी थी, साथ ही उनके रथ को खींचते हुए से घोड़ों की प्रतिमा, लोग इन्हें ही समुद्र के देवता के रूप में पूजते थे। यहाँ की जमीन भी उपजाऊ थी, अगर एक तरफ हरे भरे फसल तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के बगीचे। वहां पर रहने वाले पशु पक्षियों की तादाद भी काफी बड़ी थी। फिर भी वहां के राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला किया, निजी फायदों के लिए भ्रष्टाचार चलाए, बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, कई इलाकों पर दूसरों का कब्जा हुआ। लोगों की ऐसी अनैतिकता से उनके देवता काफी नाराज हुए, इसलिए उन लोगों को सजा भी दिया गया और वो सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी बनकर उस पूरी सभ्यता को ही खत्म कर दिया। शुरुआत ज्वालामुखी की फटने से हुई, इससे निकलने वाली काली राख ने पूरी क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समंदर में राख मिलने से उनका रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म सत्तानों की बारिश होने लगी, कई जोरदार धमाके हुए। फिर महासागर से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को ही अपने में समा लिया। इस तरह से एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया, फिर पूरी सभ्यता का ही नामो निशान मिट गया। फिर भी समय समय पर इतिहास का दावा करते हैं कि ये शहर अब भी कहीं अटलांटिक महासागर में दफन है। कहते हैं अटलांटिस का क्षेत्रफल लीबिया और पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। ऐसे में ये नामुमकिन सा लगता है कि इतना बड़ा सा एरिया ओशियनोग्राफी की आधुनिक तकनीकों, पनडुब्बियों और गहन खोज के बावजूद ये वैज्ञानिकों की नजरों से बचा रह जाए। वैसे प्लेटो की कहानियों के मुताबिक अटलांटिक महासागर की जिस हिस्से में अटलांटिस की मौजूदगी के बारे में बताया जाता है, सच कहे तो वहां इतनी जगह है ही नहीं जिसमें एशिया जितने विशाल क्षेत्रफल समा सके। क्या वो महासागर इतने बड़े क्षेत्रफल को निगल सकता है? इसलिए कई लोग अटलांटिस के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ प्लेटो का एक कल्पना था या फिर फिलहाल मौजूद किसी देश का प्राचीन रूप। वैसे अटलांटिस का रहस्य लोगों की कल्पनाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसकी मौजूदगी और इसकी होने की संभावित स्थान को लेकर कई सिद्धांत और परिस्थितियों के बारे में विचार करी जाती है।